प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रोग्राम में क्या इनपुट देंगे और हमें क्या आउटपुट आएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर हम इनपुट देते हैं मान लो 234, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए 432। मतलब जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग का डिजिट लास्ट में आना चाहिए, मिडिल का मिडिल में ही है और लास्ट वाला डिजिट देखो फर्स्ट में आ गया। तो इस काम को हम करेंगे कैसे, चलिए प्रोग्राम लिख के हम बताते हैं। सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएबल का रिक्वायरमेंट। वेरिएबल हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें नंबर इनपुट करना होगा, तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं n। इस n वेरिएबल का यूज़ हम नंबर इनपुट के लिए करेंगे। तो प्रिंटर फंक्शन से मैसेज दे रहे एंटर नंबर, ठीक है आप नंबर इनपुट करिए, तो स्कैनअप फंक्शन बोलेगा हाँ कर देंगे। तो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करनी है तो परसेंट डी उसके बाद कॉमा, वेरिएबल n में वैल्यू देना है तो एड्रेस ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल n के एड्रेस में हमने वैल्यू इनपुट कर दिया है। अब वैल्यू तो इनपुट हो गया है, अब हमें क्या करना है, इस इनपुट किए गए वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। तो ये रहा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। यहाँ पे सिंपल कंडीशन होगा, हमारा नंबर अगर जीरो से बड़ा होगा तभी व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। और इस व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अपने नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, पहला काम। क्योंकि अगर हमें नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हमें रिमाइंडर निकालना ही पड़ेगा। तो उसको हम आर वेरिएबल में स्टोर कर दिए रिमाइंडर फाइंड करने के बाद। फिर हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा हमको प्रिंट करना है उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी कॉमा आर। एक एक लाइन ड्राई रन करके समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कैसे कर रहा है ये लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद नंबर प्रिंट करने के बाद हम उसको 10 से डिवाइड करके फिर से उसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, एन वेरिएबल में ही, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अभी इस व्हाइल लूप के बाहर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी रिटर्न टाइप होगा, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो हमें उसके लिए एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो हम लिख देते हैं रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। करते हैं इसको रन F11 से, तो यहाँ पे एक एरर आया है वेरिएबल आर। ओके, वेरिएबल आर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है तो इसको कर दिया हमने डिक्लेयर। अभी करते हैं इसको फिर से रन, तो अभी सक्सेसफुली कोड रन हो चुका है, हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सबसे पहले क्या बोलेगा, एंटर नंबर, तो सेम नंबर इनपुट करेंगे 234 कर देते हैं। तो आप रिजल्ट देखो, सेम आउटपुट प्रिंट हुआ है कि नहीं, 432 बिल्कुल वही प्रिंट हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज भी लगा सकते हैं रिवर्स, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए, समझने के लिए। एक बार और इसको रन कराते हैं, कुछ और नंबर इनपुट करके देखते हैं हम, 1785, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या प्रिंट हुआ, इसका रिवर्स ऑर्डर देखिए इस तरीके से प्रिंट हो गया। हमारा ये मैसेज भी 4 times प्रिंट हो गया, इसीलिए आपको लगता होगा कि गलत आउटपुट आया है, लेकिन आउटपुट गलत नहीं आया है। इस मैसेज को हटा दे रहे, फिर सेम नंबर इनपुट करके दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। क्या था, 1785 था ना, देखो 5871 रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो चलिए हम आपको ड्राई रन करके समझाते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे हो रहा, रिजल्ट रिवर्स ऑर्डर में आ कैसे रहा। सबसे पहले हमने वेरिएबल n में एक वैल्यू इनपुट किया था, वैल्यू हमारा क्या था, 234, ठीक है, यही वैल्यू हमने वेरिएबल n में इनपुट किया था, तो ये n का वैल्यू हो गया। अभी व्हाइल लूप में हमारा कंडीशन क्या है, n ग्रेटर जीरो है, तो हमारा n का वैल्यू है 234, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 234 ग्रेटर जीरो, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तभी हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हमारा नंबर क्या है, 234 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 times में 230 होगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। तो ये जो 4 रिमाइंडर आया है ये क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा, R में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं R का करंट वैल्यू 4 है। फिर अगली ही लाइन में हमने क्या किया है, R को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा।
फिर हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? जब हम नंबर को 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आया था, 23। तो ये 23 अभी हमारा n का वैल्यू बनेगा, करंट वैल्यू बनेगा 23, ठीक है, क्योंकि n में जाके स्टोर हो रहा वो फिर से। व्हाइल लूप में चलते हैं हम, यहाँ पे n ग्रेटर 0 का ही हमारा कंडीशन रहेगा। तो अभी हमारा n का वैल्यू देखो 23 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23 ग्रेटर 0, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू, फिर हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो अभी हमारा नंबर 23 है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 23 को अगर हम 10 से करेंगे, 2 टाइम्स में ये 20 होगा, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो ये जो रिमाइंडर 3 आया है, ये 3 अभी R में जाके स्टोर हो जाएगा, तो R का करंट वैल्यू अभी क्या हो गया, 3 हो गया। अगली लाइन में हमने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से R को प्रिंट किया है, तो अभी R का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर क्या किया है हमने, हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया है, तो जब हम 23 नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था, 2 आया था। तो ये 2 क्या होगा, अभी हमारे वेरिएबल n का करंट वैल्यू अभी हो गया 2। व्हाइल लूप में चलते हैं, कंडीशन है n ग्रेटर 0, तो n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या बोल सकते हैं, 2 ग्रेटर 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है, एकदम ट्रू है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने नंबर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू अभी 2 है। तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, नंबर 2 है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.2 टाइम्स में ये क्या होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देगा। लेकिन हमारे नंबर का टाइप क्या है, यहाँ पे देखो इंटीजर टाइप का इसका टाइप है, तो ये क्या करेगा, 0.2 को इग्नोर करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 0 को ही कंसिडर करेगा। तो 10 को 0 टाइम करेंगे तो ये 0 होगा, रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो अभी जो रिमाइंडर 2 आया है, ये रिमाइंडर 2 R में जाके स्टोर होगा, तो R का करंट वैल्यू अभी 2 हो गया। उसके बाद हमने अगली ही लाइन में प्रिंटफ फंक्शन की मदद से यहाँ पे देखिए R को प्रिंट किया है, तो R का करंट वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम इस 2 को 10 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या आया था, रिजल्ट आया था 0। तो अभी ये 0 हो जाएगा, हमारा n का करंट वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। व्हाइल लूप में चलते हैं, कंडीशन क्या है, n ग्रेटर 0 का कंडीशन है, तो n का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या 0 ग्रेटर 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अभी अपना ये व्हाइल लूप एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में देखिए, हमने वेरिएबल n में नंबर क्या इनपुट किया था, 2, 3, 4, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में क्या प्रिंट हुआ, 4, 3, 2। इसका मतलब हमने जो नंबर इनपुट किया था, हमने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, रिमाइंडर फाइंड करते जाइए, प्रिंट कराते जाइए, नंबर को 10 से डिवाइड करते रहिए, तो आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ड्राई रन का लॉजिक काम कर रहा था। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।